खाने का तेल सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है। खाने के तेल पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2 साल के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है। कृषि और बुनियादी शुल्क और विकास सेस भी खत्म किया गया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सूरजमुखी के ऑयल के 2 वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रति साल 20 लाख मेट्रिक टन का आयात ड्यूटी फ्री किया गया है। सरकार ने कहा है कि सीमा शुल्क और कृषि बुनियादी शुल्क और डेवलपमेंट सेस को खत्म किया गया है, यानी इन टैक्सों की अदायगी के बिना खाने के तेल को आयात करने की अनुमति रहेगी। माना जा रहा है कि इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। बता दे चले कि कुछ दिनों से रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचे खाने वाले तेलों के दाम में कमी आने की संभावना जताई जा रही थी। पाम तेल के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक इंडोनेशिया ने निर्यात पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया है। इसी कारण भारत में खाने वाले तेल के मोर्चे पर लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि अब सरकार खाने के तेल जैसी जरूरी चीजें और इंडस्ट्रीज के लिए इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर कस्टम ड्यूटी को खत्म करने की गंभीरता से विचार करेगी। दरअसल सरकार महंगाई को काबू में लाने के लिए कई शॉर्ट टू मीडियम टर्म उपायों पर गौर कर रही थी। इनमें खाने के तेल जैसी जरूरी चीजों पर कस्टम ड्यूटी कम करना, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर ड्यूटी में कटौती, कई तरह के आयात पर लगने वाले एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस यानी AIDC में कमी जैसे उपाय शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।